गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखने जा रहे हैं और काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ये दो टॉपिक्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दिस इज यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहली यूनिट है और ज्यादातर नोन यूनिट जो है उसको प्रेजेंट करा गया है। क्यूरी जो है इसको डिफाइन किस तरह से करा जाता है कि इट इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ 226 रेडियम आइसोटोप। क्यूरी को कैसे डिफाइन करा जा रहा है कि ये क्या है, एक्टिविटी है कि 1 ग्राम हमने रेडियम 226 आइसोटोप लिया है तो इससे जितनी रेडिएशंस निकलेंगी दैट इज नोन एज क्यूरी। ठीक है, जैसे डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ 226 रेडियम इज कंसिडर्ड एज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड इट इज नोन एज क्यूरी। अब ये जो 1 ग्राम ऑफ रेडियम जो होता है 226 मास नंबर वाला आइसोटोप, ये क्या करता है कि 3.7 × 10^10 डिकेज पर सेकेंड शो करता है। मतलब इसकी रेडियो एक्टिविटी जो मेजर करी जाती है ये इस तरह से मेजर करी जाती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.7 × 10^10। मतलब क्या है कि अगर हम 1 ग्राम रेडियम 226 लेंगे तो इसके जो एटम्स हैं ये 1 सेकेंड के अंदर 3.7 × 10^10 डिकेज शो करेंगे। मतलब इतने एटम्स जो होंगे रेडियम 226 के ये रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। सो 1 क्यूरी बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फिर 1 क्यूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.7 × 10^10 डिके पर सेकेंड और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है इसको शॉर्ट में DPS लिख दिया जाता है। ये वैल्यू हमें याद रखनी है कि 1 क्यूरी कितना हो जाता है, 3.7 × 10^10 DPS। अब अगर रेडियो एक्टिविटी क्यूरीज में है लेकिन मतलब कम अमाउंट है, फ्रैक्शन में है, तो अगर फ्रैक्शन में होगा तो हम यहाँ पर मिली क्यूरी टर्म यूज कर सकते हैं या माइक्रो क्यूरी टर्म यूज कर सकते हैं। मिली क्यूरी हम जानते हैं 10^-3 होता है और माइक्रो क्यूरी क्या हो जाएगा, 10^-6। तो 10^-3 क्यूरी को बोला जाएगा मिली क्यूरी, 10^-6 क्यूरी को बोला जाएगा माइक्रो क्यूरी। और उसी तरह से अगर जो रेडिएशन एमिशन हो रहा है वो मल्टीपल्स में है, मतलब ज्यादा है क्यूरी यूनिट से, तो उसको हम किलो क्यूरीज या मेगा क्यूरीज में प्रेजेंट करा जा सकता है। किलो क्यूरी हम जानते हैं 10^3 होता है और मेगा क्यूरी क्या होता है, 10^6। सो यहाँ पर इन यूनिट्स के मल्टीपल्स भी यूज करे जा सकते हैं। इसके बाद ऐसा यूनिट क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की, इट इज बैक्यूरल। बैक्यूरल को BQ से प्रेजेंट करा जाता है और 1 बैक्यूरल क्या होता है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड का मतलब क्या है, कोई एक एटम रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है और फर्दर दूसरा आइसोटोप बना रहा है। सो इट इज द SI यूनिट। पेपर में पूछते हैं कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, सो इट इज बैक्यूरल। हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने क्यूरी ज्यादा सुना होता है तो हम क्यूरी आंसर करके आ जाते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि SI यूनिट रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, बैक्यूरल BQ। सो व्हाट इज 1 BQ, इट इज 1 DPS। और अगर हम क्यूरी और बैक्यूरल को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 क्यूरी = 3.7 × 10^10 बैक्यूरल, और इसको गीगा बैक्यूरल्स में लिखा जाएगा, 37 गीगा बैक्यूरल। देन एक और यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की, दिस इज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गिविंग 10^6 DPS, 10^6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये 3 यूनिट हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है, एक तो है क्यूरी, एक है बैक्यूरल और एक है रदरफोर्ड। तो इसमें न्यूमेरिकल बन सकता है पेपर में, या अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है आपका तो उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं इन यूनिट्स को कनेक्ट करने वाले। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से अभी पूछूं, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि एक क्यूरी और रदरफोर्ड में क्या रिलेशन होगा, तो 1 क्यूरी क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू व्हाट, 3.7 × 10^4 रदरफोर्ड, क्योंकि 10^6 डीपीएस क्या होता है, 1 रदरफोर्ड के बराबर होता है। तो 10^6 को हम और डीपीएस को साथ में लिख करके इस तरह से लिख सकते हैं। सो क्यूरी और रदरफोर्ड में ये रिलेशन होता है। देन डीपीएस के अलावा एक टर्म और यूज करी जाती है, दिस इज CPS। CPS क्या होता है, एक्चुअल काउंट्स पर सेकेंड। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेते हैं
जब उसका मतलब हम डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड निकाल रहे होते हैं, मतलब उसकी एक्टिविटी चेक कर रहे होते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है या जो डिटेक्टर होता है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी को लॉस कर देता है, मतलब पूरी की पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। क्या होता है कि जो हमारा डिटेक्टर है वो फ्रैक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को ही रिकॉर्ड कर पाता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी, उसका स्ट्रक्चर और उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो परमिट नहीं करती पूरा का पूरा जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करा जा सके। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो हम मतलब रिकॉर्ड करते हैं एक्टिविटी को, दिस इज नोन एज काउंट्स पर सेकेंड। तो सीपीएस जो होता है ये हमेशा डीपीएस से कम होता है। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। आज अब हमें यहाँ पर काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिव डिके या लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके देखना है। जो रिएक्शन काइनेटिक्स होती है रेडियोएक्टिव रिएक्शंस की, ये मतलब इन जनरल अगर हम रिएक्शंस काइनेटिक्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इससे हमें जो भी प्रोसेस हो रहा होता है, जो भी मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती है, उसकी इंसाइट मिलती है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। जो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके है ये किससे डील करता है, काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिव प्रोसेस की, जो रेडियोएक्टिव प्रोसेस हो रहा है, जो रेडियोएक्टिव एमिशन हो रहा है उसका रेट क्या होगा। अब हम रेट की बात कर रहे हैं, एमिशन होगा नहीं होगा वो हम पढ़ चुके हैं, और ये लॉ स्टेट करता है कि जो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। क्या देखा जाता है कि जितनी भी रेडियोएक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। तो जो मैंने अभी ये बोला यही है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके ऑल रेडियोएक्टिव प्रोसेस और रिएक्शंस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये कुछ एक्सप्रेशन जो होगा ये इस तरह से होगा, दिया जाएगा कि रेट इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या हो जाएगा रेट कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर जो हम ये पार्ट पढ़ रहे हैं रेडियोएक्टिविटी का, इसमें इसको डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बोला जाता है। जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तब इसको हम बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट के, यहाँ पे इसको बोला जाएगा डीके कॉन्स्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन। अगर मैं कोई रेडियोएक्टिव आइसोटोप ले रहा हूँ, ये कोई रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, तो ये क्या करेगा रिएक्शन में जाएगा, और ये क्या करेगा कोई दूसरा मतलब प्रोडक्ट न्यूक्लियाइड्स बनाएगा प्लस कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम। तो यहाँ पर हमने रेट की जगह क्या लिख दिया है, रेट की वैल्यू यानी डी अपॉन डी टी लिख, और ये जो डी अपॉन डी टी है इस ये इक्वेशन किस तरह से हो जा रही है, डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और इसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/a dA इज इक्वल टू के डी टी, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट्स लग जाएंगी इस पे, और इधर आ जाएगा के टी, या अगर हम लिमिट्स ना लगा करके जनरल इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, मैथ्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे ये सब, और आप लोगों ने वैसे भी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा डेरिवेशन। यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन लगाते हैं, जब टी इज इक्वल टू जीरो होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए जीरो होगी। तो इस वाले पार्ट को अगर हम यहाँ पे लगा दें तो क्या हो जाएगा, जब टी की वैल्यू मैंने जीरो रखी तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा ए जीरो हो जाएगा, के टी में टी की वैल्यू मैंने जीरो रख दी है तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। तो ये वाला पार्ट अगर हट जाएगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, तो मुझे यहाँ पर सी की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी। तो सी की वैल्यू क्या हो गई लॉग कंसंट्रेशन ए जीरो, और सी की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर इसके साथ प्लस क्या हो जाएगा लॉग ए जीरो, और इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करेंगे और लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है के इज इक्वल टू सॉरी ये जब हम लॉग लेते हैं ना तो ये नेचुरल लॉग होता है, इसका बेस ई होता है, ठीक है, और इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 कन्वर्जन फैक्टर आ जाता है। फिलहाल अभी जो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए जीरो अपॉन ए। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ए जीरो क्या है यहाँ पर, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी, जो टाइम हम यहाँ पे ले रहे हैं उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन होगी वो नीचे आएगी, यानी फाइनल कंसंट्रेशन नीचे आएगी। कहने का मतलब क्या है कि लॉग के अंदर ऊपर क्या आएगा इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे क्या आएगा फाइनल कंसंट्रेशन। ये को कैसे डिफाइन करा गया है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से या डीके कांस्टेंट से। अब इसमें हम देख रहे हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में थोड़ा डिटेल देख रहे हैं। तो
वैसे तो हम रेट कांस्टेंट के बारे में जानते हैं, बट रेडियो एक्टिविटी में रेट कांस्टेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि इट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट, इट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस, जो भी रेडिएशन एमिशन हो रहा है उसका जो रेट है मतलब रेट कांस्टेंट है उसको यहाँ पे के से प्रेजेंट करा जाता है और इसे डीके कांस्टेंट या डिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। देन इसके बाद जो ये डीके कांस्टेंट होता है ये नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन में भी होता था, केमिकल रिएक्शन में भी के किस पे डिपेंड करता था, जो नेचर ऑफ सब्सटेंस जो रिएक्टेंट थे उनके नेचर पर डिपेंड करता था। बट केमिकल रिएक्शन और जो ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस होता है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है, इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो केमिकल रिएक्शन होती थी उसमें के जो होता था ये डिपेंड करता था टेम्परेचर पे। केमिकल रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा होगा कि जो के होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता केमिकल प्रोसेस के लिए। लेकिन यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोसेस के लिए के जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर का, यानी कि के जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता फॉर रेडियो एक्टिव रिएक्शन। तो ये बात ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में कि के डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो हमें ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है के, यानी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि केमिकल प्रोसेस केमिकल रिएक्शन के लिए करता है। देन अब हम हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? पहली बात तो ये क्या होता है, टाइम होता है और इसको टी हाफ से प्रेजेंट करा जाता है। और ये कौन सा टाइम पीरियड होता है? ये वो टाइम पीरियड होता है जो लगता है जब कोई सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के का आधा हो जाता है रेडियो एक्टिव लॉस से। मतलब हमने कोई सब्सटेंस लिया और उसका आधा जो था वो लॉस हो गया, तो 50% लॉस हो गया। तो ये जो 50% लॉस हुआ उसमें जो टाइम लगा उसको क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ। तो इसको कैसे, इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो इसको कैसे दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है कि से इनिशियल कंसंट्रेशन पहले A0 थी और वो क्या हो गई, हाफ हो गई। तो अब जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई यहाँ पर, A0/2। तो टाइम कितना लगा, हमने बोला टाइम क्या हो गया, टी हाफ हो गया, यानी हाफ लाइफ पीरियड हो गया। ये जो कंडीशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू ए की वैल्यू A0/2 और टी की वैल्यू टी हाफ, वो हम जो ये रेट फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन जो था K=2.303/T log A0/A, ये वाला एक्सप्रेशन K=2.303/T log A0/A कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हमने A की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, A0/2, और T की जगह हमें क्या रख देना है, T half। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। मैंने यहाँ पे देखो A की जगह क्या रख दिया है, A0/2, और T की जगह क्या रख दिया है, T half, ठीक है। और इसको सॉल्व करा है तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे बचता है log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 2 is 0.3010, और 0.3010 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 0.693। सो K और T half में रिलेशन आ जाता है यहाँ पर, K=0.693/T half, या T half की वैल्यू हो जाती है 0.693/K। इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि जो T half है, हाफ लाइफ जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर जीरो से। यानी कि ऐसा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, वन होती है। यानी कि T half जो होता है ये A जीरो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड जो T half होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ जो होता है, हाफ लाइफ पीरियड जो होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई सब्सटेंस 100 ग्राम लिया, आधा होता है तो 50 ग्राम हो जाएगा ऑब्वियसली, और मानो इसमें से ऐसा होने में 5 मिनट लगे, तो 50 से 25 होने में भी 5 मिनट ही लगेंगे। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होने में कितना लगेगा, जो टाइम होगा वो फिक्स होगा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे 5 मिनट था, 100 ग्राम लिया था मैंने, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर 50 ग्राम हो गया तो ये वाला टाइम कम हो जाएगा, ये वाला टाइम कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा, ये इसका मतलब है। देन इसके बाद हाफ लाइफ पीरियड के बाद एक और टर्म यहाँ पर यूज करी जाती है, दिस इज एवरेज, एवरेज हाफ लाइफ। और ये जो एवरेज हाफ लाइफ होता है ये क्या होता है, एवरेज लाइफ टाइम होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट का। और इसको डिफाइन करा जाता है, इट इज द इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट,
यानी के का इन्वर्स होता है ये, और के की वैल्यू मैंने अभी हाफ लाइफ पीरियड के टर्म्स में बताया था कि के क्या होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो के की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन इस तरह से मिल जाएगा कि टी, इसको टी या टॉ से प्रेजेंट करा जाता है कुछ, तो मैंने यहाँ पे अभी टी से प्रेजेंट करा है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन के इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.693। और अगर हम यहाँ पे 1 अपॉन 0.693 को सॉल्व करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा टी इज इक्वल टू 1.443 टी हाफ। लास्ट टॉपिक जो आज हम देख रहे हैं इसमें, दिस इज एक्टिविटी ऑफ पॉपुलेशन और एक्टिविटी ऑफ रेट डिके। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्टिविटी जो होती है इट इज इनवर्स ऑफ हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ। एक्टिविटी जो होती है मतलब जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो हाफ लाइफ के इनवर्स में होती है। अगर हाफ लाइफ ज्यादा होता है तो वो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट देर से इंटीग्रेट हो रहा है, टाइम ले रहा है डिसइंटीग्रेट होने में, ठीक है। अगर हाफ लाइफ ज्यादा होती है तो हाफ लाइफ अगर हाई है तो इसका मतलब होता है कि एक्टिविटी क्या होगी, लो होगी, कम होगी, यानी जो एलिमेंट है वो कम रेडियो एक्टिव होगा। और अगर टी हाफ जो होता है लो होता है या स्मॉल होता है तो एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब सब्सटेंस ज्यादा रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि इफ हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई इज हाई इट्स एक्टिविटी इज लेस एंड वाइस वर्सा। और अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पता होंगे तो एट टाइम टी कितने एटम्स बचेंगे वो हम यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 2 की पावर n, जहां पर n क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, इसे इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था और 100 से कुछ स्टेप के बाद अब 12.5 बचा है, तो यहाँ पे मैंने ये एन जीरो वैल्यू दे दी है, यहाँ पे मैंने ये एन की वैल्यू दे दी है। तो क्या आप यहाँ पर स्मॉल एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं? एक हाफ लाइफ अगर होगी, एक हाफ लाइफ होगी तो ये 50 हो जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ में जितना भी टाइम लग रहा होगा, जो टाइम लगेगा यहाँ पे वही टाइम यहाँ पे लगेगा, तो दूसरी हाफ लाइफ में 25 हो जाएगा, और 25 से आधा होने में एक हाफ लाइफ होना ही, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है या ऐसे पूछा जा सकता है, इनिशियल नंबर ऑफ जो एटम्स है वो 100 है से और स्मॉल एन की वैल्यू 4 है, यानी 4 हाफ लाइफ के बाद जो एन की वैल्यू होगी, कैपिटल एन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी,